please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जैसा कि आप जानते हैं, देश के मुखिया माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी आने वाली 25 दिसंबर को पहली बार एक साथ नोएडा आ रहे हैं। वही नोएडा जहां हजारों लोग कई वर्षों से अपने घर का सपना और गाड़ी कमाई के डूब जाने की फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। आज पहली बार आपको मौका मिल रहा है अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? द्वारका एक्सप्रेसवे वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, हम तकरीबन पिछले साढ़े तीन चार साल से लड़ाई लड़ रहे हैं सिस्टम के खिलाफ। सिस्टम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसपे की तकरीबन 90,000 फैमिलीज ने, परिवारों ने घर खरीदा हुआ है, लेकिन आज तक वहाँ पे रोड नहीं बना है जो 2007 में अनाउंस हुआ था। आज 2018 आने वाला है, तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 90,000 परिवार डेली गुहार लगाते हैं सरकार से, पीएम से, सीएम से, एमएल खट्टर जी से। हम सब हर जगह जा चुके हैं, हर जगह हमने कोशिश की है। हम रोड पे हमने प्रोटेस्ट भी किया है, हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी की है, हुड्डा को फॉलोअप्स किया है, NHAI को फॉलोअप्स किया है, लेकिन आज भी 90,000 परिवार इंतज़ार कर रहे हैं घर का, रोड का, कब ये रोड बनेगा, कब हम अपने परिवार को ले गए अपने घर में जाएंगे, अपने सपनों के घर में जाएंगे। तो मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, ये आग्रह है कि वो जल्द से जल्द इस पे संज्ञान ले और खट्टर साहब को इस पे कुछ ऑर्डर दे और जल्द से जल्द इस रोड को बनाए, ताकि जो लोग आशा करते थे कि बीजेपी आएगी, सबका साथ सबका विकास करेगी, आज हम उनसे ये आशा करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे संज्ञान ले और इस रोड को जल्द से जल्द बनाए, ताकि हम अपने सपनों के आसने में जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय सीएम साहब और माननीय पीएम साहब को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे हजारों और लाखों निवेशकों ने अपने फ्लैट के लिए, अपने एक सपनों के घर के लिए बिल्डरों को पैसे दे दिए। आज से 7-8 साल हो गए हैं जो आज तक लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। इनसे वो इतनी प्रॉब्लम में हैं कि EMIs के लिए बैंकों से जो लोन लिया हुआ, वो EMI देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है और उसके ऊपर वो किराया भी देते हैं। इतने बड़े जंजाल में फंसे हुए हैं कि इसका आज तक समाधान नहीं मिला है। आपके माध्यम से आपने बहुत कोशिश किया, योगी साहब ने अपने मिनिस्टर्स की टीम को भेज के बहुत कुछ करने की कोशिश करी। आपका एक नज़रिया भी अच्छा है कि लोगों की मदद करें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है और ग्राउंड के ऊपर ये कोई एक्शन दिखाई नहीं देता है। हमें ऐसा लगता है कि ये जंजाल बिल्डरों ने, अधिकारियों ने मिलके और दूसरे लोगों ने मिलके ऐसा बनाया है कि इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी से जल्दी कोई बोल्ड और डिसीसिव एक्शन लें, जिससे जो दोषी हैं, बिल्डर हों, अधिकारी हों या और हों, उनको उनकी अपनी जगह पर रखा जाए, उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और गवर्नमेंट इसके अंदर सामने आके निवेशकों की मदद करे और उनको प्रोजेक्टों को पूरा करके निवेशकों को हैंडओवर करे, ताकि अपने सपनों का घर उन सबको मिल सके जिन्होंने आज से 7-8 साल से इसके ऊपर उम्मीद लगा रखी है। इस माध्यम से मैं रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहता हूँ कि जब तक आप बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं होगा। जैसे भी आप करना चाहें, आपसे निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। सीएम योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, नोएडा में रियल एस्टेट में बहुत धांधली चल रही है। मुख्य कारण यह है कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट को फॉलो नहीं करा गया। नोएडा अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, किसी चीज पर लगाम नहीं लगाई बिल्डरों के ऊपर, बिल्डर मनमानी करते रहे और अभी भी समय है। अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया
तो ये मनमानी बढ़ती रहेगी। हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन बिल्डरों के ऊपर लगाम लगाइए, जिससे लोगों को अपनी प्रॉपर्टी जिसके लिए उन्होंने खून पसीने की कमाई दी है जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ ये सरकार के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद 3 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में अपने घर के सपने को देखा। कुछ इसमें कमर्शियल भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में प्लानिंग करी थी कि वे अपना कुछ बिजनेस करेंगे। आज सरकार को मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये जो स्कैम बिल्डर्स ने किया है, इसके पैसे को किस तरह से हमारी जनता को लौटाया जाए, या फिर उनको किस तरह फोकस किया जाए कि वे अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और उनको हैंडओवर करें। उसके लिए 2 सजेशन मेरी तरफ से ये होंगे कि सरकार चाहे तो फॉरेंसिक ऑडिट के लिए इमीडिएटली एक कैबिनेट बिठाए और उसके लिए जितने भी अच्छे हमारे IAS ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको उनका हेल्प ली जाए और उनके हेल्प के साथ में ये तरीका निकाला जाए कि किस तरह से इन लोगों ने ये स्कैम किया है। ये मनी जो उन्होंने 80-90% पेमेंट इकट्ठी करी है पब्लिक से, ये किस तरफ डायरेक्ट की गई है। और दूसरा, इनको ये सोचना चाहिए कि इस नोएडा अथॉरिटी में इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि जितने भी बिल्डर्स ने अपने अलॉटमेंट किए हैं वो जनरली अलॉटमेंट ठीक भी हैं कि नहीं है, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं जिसमें उन्होंने अलॉटमेंट से काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री से ज़्यादा उन्होंने माल बेचा है। तो वह उस चीज़ की जांच होनी चाहिए और उसके पश्चात गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी इस स्टेज के ऊपर खड़े हैं, जिनके ऊपर 80% स्केल्टन हो चुका है, बन चुके हैं और वो नोएडा अथॉरिटी के लिए एक प्रेस्टीज इशू बन चुके हैं, आज उसका कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर इस तरह के स्केल्टनों को अगर हमने इमीडिएटली कंप्लीट नहीं किया तो वो अल्टीमेटली खंडर के रूप में चेंज हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट को कोई ऐसी एजेंसी को अपॉइंट करना चाहिए जो इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर खास ध्यान दे और इसको किसी भी आपसी सुझाव के साथ में या जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ बैठ के कोई तरीका निकालें और बिल्डरों के साथ में जितनी भी हो सके सख्ती के साथ पेश आए। मैं कृष्ण मित्र हूँ, नोएडा JP बिश टाउन का एक होम बायर। 2011 में मैंने एक फ्लैट JP विश टाउन क्लासिक में बुक किया था। बार बार चेक करने के बाद आज तक ये सिचुएशन है कि JP विश टाउन क्लासिक में जो मैंने फ्लैट बुक किया है उसका मिलने का अगले कम से कम 2-3 साल तक कोई अंदेशा नज़र नहीं आ रहा। इस बारे में JP विश टाउन के बहुत सारे ऐसे बायर हैं, बल्कि नोएडा क्षेत्र के बहुत सारे बिल्डर्स की फ्लैट्स की पोजेशन जो है ड्यू है और बहुत सारे बायर्स बिल्डर्स से दुखी हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है और उनके मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। दीज आर फ्यू पर्सनल रिक्वेस्ट टू मिस्टर PM एंड टू मिस्टर CM ऑफ UP। वी विल सेंड देम मोर वॉइसेस ऑफ अग्रीव्ड बायर्स। Realty Media will not let any government sleep until the matter gets resolved. Stay tuned.